एप्लीकेशन की परिकल्पना वाला ई विधान अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का अभिन्न अंग बन चुका है। आज के कार्यक्रम को गरिमा के उच्च शिखर की ओर ले जाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। अठारहवीं विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, सभी माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रबोधन प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ के इस आयोजन में मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का, आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जिस 25 करोड़ जनता के हितों के लिए यहाँ पर चिंतन मनन के कार्यक्रम चलने हैं, उन सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह हम सब का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में हमेशा जोर दिया है और प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को जोड़ने, डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को वन नेशन वन एप्लीकेशन की भावना को चरितार्थ करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के कर कमलों से शुभारंभ किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित आप सभी माननीय सदस्यगण सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा में आप सब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की बनने वाली योजनाओं के बारे में और शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होती है और मुझे प्रसन्नता है कि अन्य दिनों में भले ही हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हों,
लेकिन ई विधान कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी स्वयं आप यहां पर पधारे हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभेच्छा भी दिए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा। वे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की है। विश्वास व्यक्त करते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को इस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए और इस तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सभी लोग मिलकर के कार्य कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो आप बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें कि आज उन्होंने इस मंच के साथ शेयर करके अपने आप को ई विधान के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर अनेक कार्यक्रम हुए हैं। हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट भी इसी माननीय सदन में हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उस समय भी मैंने माननीय सदस्यों के मन की इस पीड़ा को देखा था कि वास्तव में हम लोग क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वह सपना साकार हुआ है। जब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ही हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके मान्य सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि मान्य सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक जाए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के, वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन 2 वर्ष के बाद फिर से यहां पे प्राप्त हो रहा है। जनवरी 2020 में आप यहां पर एक कार्यक्रम की दिशा इसी सदन में संबोधित करने के लिए आए थे, जब तमाम विधानमंडलों से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारी और स्पीकर से यहां पर उपस्थित होकर के
कैसे हमें संसदीय कार्य प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है, इस दिशा में एक स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। 17वीं विधानसभा इस दिशा में बहुत समृद्धशाली रही। यद्यपि 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए उसके प्रबंधन में व्यतीत हुआ, लेकिन उस संकट के दौर में भी, चुनौतियों के बीच में भी कैसे रास्ता बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न केवल सरकार ने बल्कि विधानसभा ने भी अपने कोई सत्र बाधित नहीं होने दिया। हाँ, ये जरूर रहा कि हम लोग जो सदन की स्ट्रेंथ थी उतने माननीय सदस्यों को एक साथ यहां नहीं बिठा पाते थे। हमने वर्चुअल जुड़ने की भी परमिशन दी है, जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं इसी बात के लिए उस समय भी स्थापित किए गए थे कि हम इस स्क्रीन का उपयोग कर सकें और कोई माननीय सदस्य जो 60 साल से ऊपर का है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वह चाहें या अस्वस्थता की स्थिति में है तो वह चाहें तो वर्चुअली भी जुड़ करके सदन की कार्रवाई का मैं भागीदार बन सकता है। और उस समय भी सदन का कार्य हो सकता है कि हमने सदन की कार्यप्रणाली को नियमित चलाया, हाँ उसकी अवधि को सीमित किया गया, लेकिन सदन तब भी चला, सरकार ने अपनी सारी गतिविधियों को चलाया, कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया। उस चुनौती से जूझते हुए आज हम लोग एक नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं विधानसभा का गठन होना और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही ई विधान लागू होना और उसके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम, कल मैं स्वयं यहां पर आया था, मैंने पूरे सदन का अवलोकन किया था, माननीय सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी देखा। और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा, 128 नए सदस्य आए हैं, पुराने भी मान्य सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारे यहाँ ई कैबिनेट पहले से है, हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहाँ लागू कर दिया था। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें, हाँ उसका पिछलग्गू भी ना बने, क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम फिर जहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होना है, जनता के बीच में जाना है, फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चल लेगा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअली जलने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअली ही वोट भी ले लेना, तो वह स्थिति कम से कम विधानसभा के मान्य सदस्यों के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम उसके पिछलग्गू ना बने, लेकिन हां अपनी सुविधा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में बढ़ा है, एक जुनिया विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता के जनता ने आप सब में व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं और पूरा देश और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर जिन संभावनाओं को देख रहा है, इन संभावनाओं को सभी लोग मिलकर के अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका को पूरी मजबूती के साथ और सही परिप्रेक्ष्य में लाने में सफल होंगे। प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान आप माननीय सदस्यगण अवश्य इसका प्रशिक्षण लें, सभी माननीय मंत्रीगण भी इसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके ई विधान का लाभ लें और फिर उसका उपयोग प्रदेश के विकास और
प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन में हम लोग अवश्य करें। इस विश्वास के साथ मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का यहां पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति और ई विधान के प्रति मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ई विधान लागू होने के बाद हम इस पूरी विधानसभा को फेस वाइज पेपरलेस बनाने के साथ ही जो हार्ड कॉपी हमारे पास आती थी उस व्यवस्था को धीरे धीरे करके समाप्त करते हुए हम लोग एक समय आएंगे कि हमारा माननीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक अपने टैबलेट या अपने सारे कार्यक्रमों को ई विधान के माध्यम से ही जोड़ करके उस आया उसने अपनी सीट पर बैठा। और सबसे अच्छी व्यवस्था ये होगी कि वह अपनी सीट पर आके बैठेगा और वहीं से उसकी सारी गतिविधियां उसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। सीट से ही उसको, जो भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी सीट से ही बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगे। मैं 17वीं विधानसभा में भी कहा था और फिर मैं कहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से हमारी लोकसभा, हमारी संसद एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है और हमें संसदीय कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा की कार्य पद्धति को अधिकाधिक उपयोग करना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। माननीय सदस्यों को सदन की, लोकसभा की कार्यवाही कैसे चल रही है, राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, इसको देखना होगा। आवश्यकता पड़ती तो वहां फिजिकली जाकर के हम लोग देखें कैसे क्वेश्चन आवर में कैसे क्वेश्चन होते हैं, सदस्य एक माननीय सदस्य कितना अपने प्रश्न पर कितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न एक माननीय सदस्य ने पूछा है लेकिन अन्य कितने सदस्य उस पर सप्लीमेंट्री पूछने की सुविधा ले सकते हैं और एक घंटे के अपने क्वेश्चन आवर को हम कैसे अधिक से अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं, इस दिशा अधिक से अधिक मान्य सदस्यों को मौका मिल सके या किसी भी मुद्दे पर चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उसको हम प्रभावशाली तरीके से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नए सदस्यों को कैसे मौका मिलना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के ई विधान के साथ ही 18वीं विधानसभा, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के स्वस्थ संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी हम लोग सफल होंगे। इस विश्वास के साथ कि 17वीं विधानसभा में कुछ कार्यक्रम आगे ऐसे चले थे, खासतौर पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष चर्चा हुई थी और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य विधानमंडल की यह पहली चर्चा थी जिसने 36 घंटे तक निरंतर चर्चा को चला करके गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार उपलब्ध कराने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी। उसके लिए मंत्रिमंडल के समूह बनकर के उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम भी किया, काफी कार्यक्रम आगे भी बढ़े। ऐसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी विधानमंडल का विशेष सत्र आहूत किया गया था। यह कार्यक्रम हमारी स्वस्थ संसदीय प्रणाली को व्यक्त करने का भी एक माध्यम था और चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम अपने संसदीय सामान्य रूप से औपचारिक कार्यक्रमों के इतर भी अन्य विषयों पर भी हम गंभीर चर्चा को आगे बढ़ा सकें, ये कार्यक्रम भी यहां पर चले थे। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा, जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, जब इस विधानसभा को हम ई विधान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। खासतौर पर उन्होंने इस बारे में कहा है
कि अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं, आत्मावलोकन करने का एक अवसर तो हमें दे रहा है, लेकिन साथ साथ हम अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना लेकर के चले, अमृत काल इसे मान करके चले। विगत 8 वर्ष के दौरान क्या कुछ हुआ देश के अंदर इसको जाने, और अमृत काल के रूप में अगले आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना समाज का हर तबके का व्यक्ति, एक मान्य सांसद, एक मान्य विधायक, एक मान्य ग्राम पंचायत में चुना गया ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत में चुने गए क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, उनके चेयरमैन, ये सभी लोग हमारे नगर निकायों के पार्षद, उनके चेयरमैन, महापौर, या समाज का सामान्य व्यक्ति, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके का व्यक्ति, कि अमृत काल का उपयोग हम अपने ग्राम पंचायत को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने नगर निकाय को, अपने विधानसभा को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को कैसे हम समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो देश के आजादी के अमर सेनानियों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार कैसे कर सकें। 25 वर्ष की उस कार्य योजना को लेकर के अगर हम चलेंगे तो कोई कारण नहीं कि अमृत काल का उपयोग भारत को न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत दुनिया के अंदर एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में होगा, इस विश्वास के साथ हम सबको जुड़ करके कार्य करना होगा। अमृत महोत्सव वर्ष में ई विधान लागू करने और माननीय सदस्यों के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में इस बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि प्रशिक्षण अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग इतना पारंगत हों कि 23 मई को जब यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए आए, समवेत सदन को अभिभाषण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों, तो उस समय टैबलेट हम सबके सामने ई विधान के रूप में एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे, और फिर ये बजट सत्र भी हमारा होगा, तो बजट सत्र का भी एक आयोजन हम इसके साथ देख पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस सत्र में भले ही हम आपको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएं, लेकिन अगले सत्र से प्रयास होगा कि सब आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से ही आप ई विधान की कार्य प्रणाली के साथ जुड़ सकें। एक बार फिर से मैं इस पूरी कार्य पद्धति के प्रति, इस प्रबोधन कार्यक्रम के प्रति, ई विधान के प्रति, इससे जुड़े हुए विधान सभा से के सभी हमारे जो प्रमुख सचिव और उन अधिकारीगण हैं उनकी पूरी टीम को, NIC की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के इस प्रशिक्षण के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश विधानसभा भाग्यशाली है कि उसे समय समय पर लोकतंत्र के देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है।